अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए कुछ घोषणा पत्र और जारी किए हैं। जरा हम आपको विस्तार से बता दें क्या है। अब पंजाब में किसी की भी तबीयत खराब होगी तो मुफ्त में इलाज किया जाएगा, मुफ्त में टेस्ट किए जाएंगे और एक आपका कार्ड बनेगा जिसमें आपकी सारी जानकारी होगी, आपको बड़े बड़े पर्चे लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही हर मोहल्ले में क्लिनिक बनाया जाएगा, जैसे मोदी जी ने बनवाया था उस टाइप का क्लिनिक है आपको। एक्सीडेंट में सारा खर्चा सरकार उठाएगी। अब थोड़ा हम समझते हैं कि आधी अधूरी जानकारी जब केजरीवाल सरकार देती है तो उसको पूरा कौन करेगा। पहली बात तो ये जो कार्ड वाला फॉर्मूला है चोरी किया गया, यानी कि मोदी जी का। तो चोरी करना अगर कॉपी करना अच्छी बात है, कॉपी करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी अस्पताल में कब से पैसे लगने लगे हमें ये भी सरकार बताए कि किस सरकारी अस्पताल में पैसे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चार छह के पिटारे खोले हैं, चार से छह के, वो एक ही पिटारा है, मुफ्त में इलाज करना। ये सब जो गोची दी जा रही है, आसान शब्दों में कहें कि भोली जनता को वोट खींचने की तैयारी हो रही है, ये सिर्फ केजरीवाल की सत्ता नहीं कर रही है, ये हर कोई पार्टी करती है। जैसे कि आपने अभी सुना होगा मुफ्त बिजली कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से। अब देखना यह है कि सत्ताधारी पार्टी या फिर आने वाले केजरीवाल सरकार या भाजपा सरकार क्या क्या तरीके से जनता को अपनी ओर खींचेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसमें आपकी क्या राय है हमें जरूर अपडेट दें।